आखिर कौन है ये महिला जो जंगल के बीचों बीच शावकों का कर रही है निरीक्षण? जंगल, घायल शावक और खूंखार बाघिन के बीच कौन है ये निर्भीक महिला जिसे अपनी जान की नहीं घायल शावकों को बचाने की है फिक्र? जंगल के बीच तेज दौड़ती ट्रेन की टक्कर से उजड़ गया था बाघिन का कुनबा। टक्कर से एक बाघ की हुई थी मौत, दो हुए थे घायल। अपने शावकों की हालत देख और खूंखार हो गई थी बाघिन। इस बीच घायल शावकों का रेस्क्यू करने पहुंची थी टीम के साथ अकेली महिला अधिकारी। निडर और निर्भीक होकर शावकों के पास जाकर किया था स्थितियों का आकलन। तड़पती खूंखार बाघिन के हमले से मौत के डर के बीच भी निभाया अपनी जिम्मेदारियों को। जी हां, पूरे देश को शावकों के उस दृश्य ने हिलाकर रख दिया जिसमें एक शावक मरा हुआ दिखाई दे रहा था तो दो शावक घायल। सभी ने शावकों के साथ हुई इस ट्रेन की टक्कर को दर्दनाक बताया, लेकिन वहीं शावकों के साथ हुई इस घटना के एक विजुअल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह था कि आखिर जंगल के बीचों बीच घटना स्थल पर शावकों के साथ ये लेडी सिंघम कौन है और इतनी पास से इन शावकों का निरीक्षण कर मोबाइल से फोटो क्यों खींच रही है? दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश वन विभाग की बुदनी परिक्षेत्र की एसडीओ सुकृति ओसवाल हैं, जो निरीक्षण और बचाव दल के साथ अकेली महिला होकर भी बीच जंगल में बाघिन के खतरे के बीच मौजूद थी। अचानक बाघिन की आवाज पर जब पूरा दल घटना स्थल से हट रहा था तभी भागने के दौरान एसडीओ सुकृति ओसवाल की गिरने से पैर में चोट आ गई। इसके बाद भी उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। आज दिनांक हमको 10:30 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर मतलब टाइगर की मौत हो गई है बुदनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुदनी अंतर्गत बीट भीमखेड़ा कक्ष क्रमांक 628 में मृत शावक और दो घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे। उसके पश्चात हमने मतलब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुब्रंजन सेन और हमारे सीसीएम साहब श्री खरे साहब ने इसकी सूचना दी हमने और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारी ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। रेंजर साहब एसडीओ साहब और हमारे एसटीआर जो होशंगाबाद की टीम भी थी, डॉक्टर साथ में थे। इसी दौरान भागने के दौरान हमारे जो एसडीओ साहब है श्रीमती सुकृति ओसवाल भागने के दौरान थोड़ी गिर गई है तो उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। जो कल ट्रेन से शावक टकराए थे उनके लिए वन विहार की टीम और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम आई थी, उन्होंने उनको रेस्क्यू करके और वन विहार ले। आज लगभग 2:30 बजे कल जो शावक टकराए थे जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका पोस्टमार्टम के बाद बुधनी की लकड़ी के डिब्बों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो भाई टाइगर की रेस्क्यू के दौरान अचानक से बाघिन की आवाज आई, क्योंकि हम लोग पीछे की ओर हटे इतने में मेरा पैर स्लिप हो गया, इसलिए मुझे पैर में चोट आ गई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बुधनी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।